अब हम बात करते हैं कुछ और इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के अंतर्गत। हमने बात करी थी ना कि अगर आपका गुड अच्छा ना पहुंचे, वो जो मैं पापड़ वाला एग्जांपल दे रहा था, तो सामने वाला पर्सन एक कंप्लेंट फाइल करता कर सकता है आपके खिलाफ, क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स। इसके अंतर्गत हम कुछ चीज़ें जानते हैं डिटेल के अंदर। एक कमिटी जो है वो बनाई गई है, कमिटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट। आपने माल टाइम पर नहीं पहुंचाया, पेमेंट खा ली, आपका माल सही नहीं पहुंचा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया आपने, ये जो कमिटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स है CQCDD, इसको कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा इन द रीजनल अथॉरिटीज ऑफ DGFT। हर एक जगह से, क्यों, अलग अलग जगह से सामान जा रहा है ना, अलग अलग रीजन से जा रहा है, तो DGFT कुछ रीजनल अथॉरिटीज भी बना देगा। क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट के ऊपर ये जो कमिटी है, ये रिस्पॉन्सिबल होगी कि इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेट करे सारी क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेंट्स को और दूसरे ट्रेड रिलेटेड कंप्लेंट्स को जो कि इसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं रीजनल अथॉरिटीज़ की। ये फेटरेटिव स्टेप्स भी लेगा ग्रेवांसिस को रिजॉल्व करने के लिए, आपका नाम भी खराब ना हो, सामने वाला भी सेटिस्फाई हो जाए, दोनों इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एंड ओवरसीज बायर्स एंड ओवरसीज सेलर्स 3 महीने के अंदर अंदर। देख लो टाइमलाइन बहुत छोटी है। कवरेज इस मैकेनिज्म के अंतर्गत जो कंप्लेंट्स और जो डिस्प्यूट्स है बिटवीन द टू और मोर इंडियन एंटिटीज, दे आर नॉट कवर्ड। सिमिलरली जो कंप्लेंट्स और डिस्प्यूट्स है बिटवीन टू और मोर फॉरेन एंटिटीज, दे आर ऑल्सो नॉट कवर्ड। यानी कि आपका यहां पर कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या होगा, कवरेज क्या ऐसी होगी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में और बायर सेलर ऑफ ओवरसीज स्टेट उनके बीच में, आपस में नहीं कि देश देश में या फिर दो कंट्रीज की वो है, हमें क्या लेना देना भाई उससे, दो फॉरेन एंटिटीज अगर हैं। इंडियन इंडियन नहीं और फॉरेन फॉरेन नहीं, देयर शुड बी वन इंडियन एंटिटी वन फॉरेन एंटिटी। इसका नेचर क्या होगा ये समझ के नहीं वाला पॉइंट कवरेज वाला, एक्सपोर्टर इंपोर्टर यही तो होता ना यार, अगर आप एक्सपोर्ट करो तो आप इंडियन हो, इंपोर्टर एक फॉरेन है, और ओवरसीज का मतलब ये बायर, अगर आप कोई चीज़ सामने वाला खरीद रहा तो वो ऑस्ट्रेलियन है, आप सेलर हो आप इंडियन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए इंडियन इंडियन या फिर अमेरिकन अमेरिकन, ठीक है। नेचर, कमिटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट जो है, इनकी जो प्रोसीडिंग्स होगी इट विल बी कंसिलेटरी इन नेचर, और जो एग्रीड पार्टी है इट इज़ फ्री टू परस्यू एनी लीगल रिकॉर्ड्स अगेंस्ट द एरिंग पार्टी। अगर आप उसके खुश नहीं हो उससे तो आप कहीं और हायर अथॉरिटी पर जा सकते हो। प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, हमने बात करी थी बड़ी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं, इक्के दुक्के पॉइंट्स आपके लिए नए हैं। क्यों, जैसे आप इसको देखो, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन डिजिटल इकोनॉमी, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हमें स्मूथ करके ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, तो प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, निर्यात बंधु जो स्कीम है ये रखी गई है मेन स्कीम एज द फॉर द प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स, और दूसरे इमर्जिंग चैनल्स भी एक्सपोर्ट के जो हैं उनको भी देखा जाएगा, जिसके लिए DGFT जो है वो सब कुछ करेगा। इट विल ऑर्गेनाइज आउटरीच एक्टिविटीज़ और वर्कशॉप्स कस्टम अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप करके, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडस्ट्री पार्टनर्स, नॉलेज पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, दे विल बी क्रिएटेड टू डेजिग्नेट एरियाज एज ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब, ताकि यहाँ पर जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ है उसके तौर पर इनको एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन माना जाए फॉर क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एक्टिविटीज़। ये प्राइवेट इनिशिएटिव और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल की वजह से क्रिएट करे जा सकते हैं, या तो प्राइवेट या PPP मॉडल। देख रहे हो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है, अगर है तो प्राइवेट भी साथ चलेगा या तो टोटल प्राइवेट चलेगा। नेचर क्या होगा, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब जो है इट विल फंक्शन टू अचीव एग्लोमरेशन बेनिफिट्स। एग्लोमरेशन बेनिफिट्स क्या होता है, बेसिकली सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी एक जगह पर आ जाए, सिमिलर जो एक्टिविटीज़ हो रही होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको इसको सिम्प्लीफाई करके बताता हूँ, पापड़ पापड़ बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो सबको एक हब की तरह बनाकर सबके बिजनेस को प्रमोट नहीं करवा दो एक साथ, है ना। और ये कुछ फैसिलिटीज़ भी बनाएगा, स्टोरेज, पैकेजिंग, लेबलिंग, सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़। उसके बाद लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा
इसके ऊपर काम होगा एंड सर्विसेज जो होंगी सबसे पास के लॉजिस्टिक हब की उसको भी फैसिलिट करने का काम करेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको मिलेगी अंडर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम। प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स थ्रू पोस्टल रूट्स, डाकघर, निर्यात केंद्र, इनको पूरी कंट्री में ऑपरेशन बनाया जाएगा थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल विद फॉरेन पोस्ट ऑफिसेस, ताकि क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स को फैसिलिटेट करा जा सके। ये हम जीएस पेपर 3 के मेंस में पढ़ेंगे। हब एंड स्पोक मॉडल ये क्या होता है? ये एक जगह है। स्पोक क्या होते हैं पहिए? ये जगह है आपका पापड़ बनाने वाली, ये बिजनेस सेटअप है आपका। इसको यहाँ पर सी पोर्ट्स के साथ जोड़ दिया, एयरपोर्ट्स के साथ जोड़ दिया, रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ दिया, ई कॉमर्स केंद्र के साथ जोड़ दिया और DGFT के साथ जोड़ दिया। आपका हर एक जगह से जो ट्रेड फैसिलिटेशन है वो इंश्योर हो गया ना ऐसा करके। ये हब एंड स्पोक मॉडल। जब सेंटर पे कोई चीज़ रखी जाए ना, मतलब वही पहिया जैसे होता है, उसके बड़े बड़े स्पोक्स होते हैं व्हील के, सेंटर में जो होता है ना ये हब होता है और जो स्पोक्स हैं वो डिनोट करते हैं कनेक्टिविटी को। उसके बाद ड्यूटी एग्जेम्पशन एंड रेमिशन स्कीम्स, एडवांस ऑथराइजेशन, याद रखना ये अब पैसे बचाने की बात हो रही है यहां पर। जो इंपोर्ट्स होंगे अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, जिस भी प्रकार के इंपोर्ट को अगर बोला जा रहा है कि इट इज एडवांस ऑथराइजेशन AA, इनको एग्जेम्प्ट करा जाएगा। देखो कहां कहां पैसे बचेंगे, जस्ट सी कितना इंप्रेसिव स्ट्रक्चर बना रखा है हमने अपने फॉरेन पॉलिसी के तहत ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। देना ही नहीं पड़ेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, जहां पर भी एप्लीकेबल होगा। देख रहे हो पूरे पूरे पैसे बच रहे हैं सामने वाले के। उसके बाद ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन। अगर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन है किसी भी गुड की, आप इम्पोर्ट करवा रहे हो, दे विल बी एग्जेम्प्टेड ओनली फ्रॉम द पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था ना, कौन से गुड्स? कैपिटल गुड्स अगर आप मंगवा रहे हो तो, याद है? उसके बाद स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रोड टैप कहते हैं वैसे इसको शॉर्ट में। इसका ऑब्जेक्टिव जो है, इट इज टू रिफंड करेंटली रिफंडेड ड्यूटीज टैक्सेस लेवीज एट द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल, जो कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर आपको उठाने पड़े, एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर जो उठाने पड़ेंगे। इसको नोटिफाई करा गया था डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, और इसको एडमिनिस्टर करा जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये चीज़ याद रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नोटिफाई करा गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, एडमिनिस्टर करा जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। हमने बात करी थी क्या लिस्ट क्या क्या होगी, इम्प्लीमेंट कैसे कर, हाँ इम्प्लीमेंट कैसे करना है, देखना कैसे है, जो डिस्प्यूट्स अगर हो गए रिजॉल्व कैसे करना है, बातचीत कैसे करवानी पार्टीज की, ये काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस कमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, समझ गए ना भाई? आगे बढ़ूँ। स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, इसके अंतर्गत एक बात बोली जा रही है, रेगुलेशन ऑफ ड्यूअल यूज आइटम्स। इंटरनेशनल कन्वेंशंस और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के अंतर्गत जो बहुत सारी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑब्लिगेशन, जो गाइडलाइंस और जो कंट्रोल लिस्ट जो जारी करती हैं, बिल्कुल उसके साथ तालमेल बनाते हुए, एज वेल एज मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स। ये कुछ नहीं होता बेसिकली कि क्या क्या आइटम दुनिया में एक्सपोर्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको देखना, उसकी लिस्ट बनाना। अब आप कल को गोला बारूद, तोप और ऐसी चीज़ें, न्यूक्लियर वेपन्स में बनने वाले जो केमिकल्स होते हैं, ये आप एक्सपोर्ट करने लग गए कि हम तो जी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, इससे बहुत पैसा आएगा, लाल चंदन रेड सेंटर्स के पेड़ आप काट काट के बेचने लग गए, तो उसके ऊपर एक इंटरनेशनल जिन चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, उसको कहते हैं हम लोग मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, कि किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट हो सकता है और किसका नहीं हो सकता, उसके ऊपर कंट्रोल लगाना।
तो इंडिया ने इन सबके एग्रीमेंट्स के अंतर्गत इंडिया हैज रेगुलेटेड द एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूअल यूज आइटम्स, न्यूक्लियर रिलेटेड आइटम्स इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी. कैसे? इसको एक अम्ब्रेला टर्म का पार्ट दिया इंडिया ने, स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटीरियल्स इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज. ये वो लिस्ट है इंडिया की जो इंडिया ने प्रिपेयर करी है. ये वो आइटम्स हैं विच इज ईदर प्रोहिबिटेड और परमिटेड अंडर एन ऑथराइजेशन अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड. इसके लिए बहुत हाई लेवल की परमिशन चाहिए, फिर परमिशन कभी मिलेगी भी नहीं अगर आप प्राइवेट प्लेयर हो तो. इस कॉमेट की जो लिस्ट है ये इंडिया की नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है एंड इट इज अलाइन टू द कंट्रोल लिस्ट ऑफ द मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स एंड कन्वेंशंस. इस कॉमेट आइटम्स जो है इनको रेगुलेट कराया जाता है अंडर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005. जो इंपोर्टेड गुड्स है जो कि कवर्ड अंडर कॉमेट लिस्ट दे आर नॉट परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट. आप इनको अगर मंगा लो तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इसको. और पहली बात है प्राइवेट पर्सन तो मंगा ही नहीं पाएगा. जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे देश के अंदर ही देख लो, फर्जी देखिए शुरू का पहला पार्ट या दूसरा पार्ट तो देखा ही होगा श्रेया, जब वो पेपर मंगाने की बात करते हैं वो फ़ोन पे कहते हैं ना, हाँ जी कहाँ से बोल रहे हो, कितने GSM का पेपर मंगाना है, कौन बोल रहा है. वो कहता नहीं है यार भाई यार ये तो वैसा वाला पेपर मंगाने से भी ज़्यादा मुश्किल है ये वाला पेपर मंगाना. तो कितना उसको पकाना पड़ता है, कितना कहना पड़ता है, 1000 माइक्रोन, इतने GSM, उतने GSM, फिर फाइनली चोरी करनी पड़ती है उनको. आउटरीच प्रोग्राम्स ऑन स्कोमेट दे विल बी ऑर्गेनाइज बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन एसोसिएशन विद एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एंड ट्रेड एसोसिएशंस फॉर इफेक्टिव अवेयरनेस अमंग द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स जो कि डील करते हैं विद ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर इन द स्कोमेट आइटम्स. कंक्लूजन में ये बोला जा सकता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है ये अभी तक की सबसे बेस्ट हमारे इंडिया को ट्रेडिंग रिजीम में कन्वर्ट कर देगी. हमें बेसिकली अगर इसको पुश करना है बहुत अच्छे से देन द एफर्ट्स कैन बी मेड टू एक्नॉलेज द ट्रेंड्स ऑफ इमर्जिंग एरा और हमें रुपीज़ को इंटरनेशनलाइज करने की ज़रूरत है. और अगला ही आर्टिकल से रिलेटेड है डी डॉलराइजेशन ये वाला डॉलर आप जानते हो ना, ये अमेरिकन डॉलर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड करेंसी है पूरी दुनिया की. अच्छा इस कॉमेट कैटेगरी के अंदर आइटम्स कौन कौन से आते हैं ये आपको लिस्ट पता होनी चाहिए. फिल्म्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है और इसकी ज्यूरिस्डिक्शन अथॉरिटी कौन कौन है. ये आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा क्योंकि बाकी सब में DGFT बस जिसमें DGFT नहीं है बस वो आपको पता होना चाहिए. लेकिन नाम पता होना चाहिए आपको किस कॉमेट आइटम्स कौन कौन से हैं. तो क्या बताओ इनके, आप मुझे बताओ आपने क्या सीखा इस कॉमेट आइटम से, इनका व्यापार आराम से हो सकता है दुनिया में? नहीं. ये प्राइवेट लोगों के हाथ में दिए जा सकते हैं? मिलेंगे भी तो किसकी परमिशन से और बहुत हाई लेवल की अथॉरिटी. तो न्यूक्लियर मटेरियल्स, न्यूक्लियर रिलेटेड अदर मटेरियल्स इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इसको कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. टॉक्सिक केमिकल एजेंट्स एंड देयर अदर केमिकल्स DGFT. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टॉक्सिन्स DGFT जनरल. पता है क्यों? ये पता है क्या है? सोच के देखो ज़्यादा श्रेया. होकिरा वेटलैंड में अगर कोई प्रोसिपस जूली फ्लोरा छोड़ दे और उसने इंपोर्ट करवा के मंगवाया हो, खत्म वेटलैंड. यही चीज है. एक और एग्जांपल दूं, ग्वालियर के पास कोई खेत है मान लो, वहां पर कोई इंसेक्ट को जैसे टिड्डियों का आक्रमण हुआ था कोविड के टाइम पर, ऐसे कोई स्पीशीज को छोड़ दे, ठीक है. लास्ट एक एग्जांपल और, लास्ट सबसे बेस्ट, एक ऑर्गेनिज्म लाया जा रहा है लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए दूसरी कंट्री में एंड जस्ट इमेजिन यही ब्लेम तो चाइना के ऊपर लगा कि चाइना लेबोरेटरी में कुछ और कर रहा था और कोविड इन्वेंट हो गया है ना. उसके बाद मटेरियल्स, मटेरियल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज DGFT, न्यूक्लियर रिलेटेड अदर इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी नॉट कंट्रोल्ड अंडर कैटेगरी ओ DGFT, एरोस्पेस सिस्टम इक्विपमेंट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड टेस्ट इक्विपमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली डिजाइन कॉम्पोनेंट्स एंड एक्सेसरीज DGFT,
म्यूनिशंस लिस्ट, ये आर्मामेंट्स वगैरह होते हैं बंदूक के, जो गोलियां वगैरह ये सब, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिजर्व आइटम्स DGFT, स्पेशल मटेरियल्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट, मटेरियल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सेंसर्स, लेजर्स, नेविगेशन, एवियोनिक्स, मरीन, एरोस्पेस एंड प्रोपल्शंस। प्रोपल्शन मतलब बेसिकली जो फ्यूल वगैरह नहीं होते जो रॉकेट वगैरह में होते, वो DGFT। अग्नि 5 मिसाइल के अंदर मिलने वाला फ्यूल आप ऑर्डर करवा सकते हो अमेजन से या कहीं से भी, बताओ श्रेया घर पे, कि मैं दिवाली पे से रॉकेट उड़ाऊंगी। पता चला पंजाब उड़ा डाला पूरा। वही तो पंजाब गायब हो गया भारतीय नक्शे से।